और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आया है, 48 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली हिंसा मामले में 48 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस पीआरओ एमएस रंधावा का बयान, हिंसा में अब तक पुलिस ने 48 एफआईआर दर्ज की है। अधिकारी आरडब्ल्यूए और अमन कमेटी के साथ बैठकें कर चुके हैं। आपाशद ताहिर हुसैन पर जांच चल रही है। दिल्ली हिंसा पर पीआरओ एमएस रंधावा का बयान, अब तक 48 एफआईआर दर्ज हुई हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हिंसा मामले में अब तक 48 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अधिकारी आरडब्ल्यूए और अमन कमेटी के साथ 350 बैठक कर चुके हैं। आपाशद ताहिर हुसैन मामले पर अभी जांच चल रही है। दिल्ली हिंसा पर बोले हैं पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारी आरडब्ल्यूए और अमन कमेटी के साथ 350 बैठकें कर चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली पुलिस ने अब तक 48 एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरी दिल्ली में और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में भी, पूरी दिल्ली में भी साढ़े अभी तक जो लास्ट दो दिन है और उसमें 350 अमन कमेटीज की हम मीटिंग्स कर चुके हैं। हमारे जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एरिया के जितने भी आरडब्ल्यूएस हैं, एमडब्ल्यूएस हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनके साथ अमन कमेटी की मीटिंग्स कर चुके हैं और एक जो पब्लिक के साथ राफ्ता है वो कायम किया है। और हमें पूरी आशा है कि अभी इसी तरह जैसे आप देख रहे हो मेन जो रोड्स भी हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो गया है। और एक जो मीडिया में इशू आ रहा था कि जहाँ जो लोग हैं उनको कुछ जो बेसिक एसेंशियल नेसेसिटीज़ हैं, खाने की चीज़ें, वो भी सफिशेंट मात्रा में आ रही हैं क्योंकि ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एम्बुलेंस की मूवमेंट है, वो दो दिन पहले ही नॉर्मलाइज कर दी गई थी कि अब तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं, बीएससीएस है, एनडीएम ईस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनसे भी हमने प्रॉपर टाई अप किया है। जगह में आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह ये सफाई भी कर चुके हैं और भी जो साफ कर रहे हैं और अभी सिचुएशन पूरी नॉर्मल में और पूरे कंट्रोल में। अभी आप जो हमारा मेन प्रायोरिटी थी वो यही थी कि जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। कल भी आपने देखा पूरे नॉर्मल थे, रात भी नॉर्मल है, आज भी नॉर्मल और इसी तरह ही अब हम कंटिन्यू रखेंगे। और उसके साथ साथ जो केसेस हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काफ़ी उसमें से एविडेंस आ चुके हैं। हमारी टीम्स अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही है।